हेलो फ्रेंड, राधे राधे गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, बारिश लगातार हो रही है हमारे यहाँ और कम से कम 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और देख सकते हैं आप कितने बढ़िया खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं। ये अपराजिता का मल्टी पेटल फ्लावर है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बारिश में इतना भीगने के बाद भी इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। बिल्कुल रोज़ के स्टाइल में मल्टी पेटल में ये इस तरह से खिलते हैं फ्रेंड। बड़े खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और इसी तरीके से वाइट फ्लावर भी खिला हुआ है। इसके मुझे जो है और भी कलर्स चाहिए, मैं लेकर आऊँगी जब मुझे मिल जाएंगे फ्रेंड कहीं पर भी। और ये क्रैनबेरी के प्लांट हैं जो कि इनमें फ्लावर खिलने वाले हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग अभी करते रहेंगे और अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक भी खिलते रहेंगे। लेकिन हमको जो है विंटर प्लांट की भी तैयारियाँ करनी है फ्रेंड। और विंटर प्लांट की तैयारियां पहले से करनी होती हैं क्योंकि फ्लावर इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो आपको जो जो फ्लावर प्लांट पसंद हैं, और मुझे तो आपको बताऊं क्योंकि मैं तो पौधों की शौकीन हूँ, फूलों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा लगाती हूँ अपने गार्डन में। तो मुझे तो सारे ही फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनमें से भी कुछ खास प्लांट होते हैं जो कि बिल्कुल विंटर के एकदम राजा कहलाते हैं। एक प्लांट को हम राजा नहीं बोल सकते, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम राजा बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो उनकी तैयारी हमको पहले से करनी होती है। और देखिए, वीडियो बना रही हूँ तो मेरे फ़ोन पे जो है बारिश भी लगातार पड़ रही है। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, बहुत मेहनत की जाती है। और वीडियो भी हम तब बना पाते हैं जब फ्रेंड हम अपने गार्डन में मेहनत करते हैं, क्योंकि अपनी ही मेहनत को हम आप लोगों को दिखाते हैं। और वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छा लगेगा तो बेल आइकॉन जरूर दबाएंगे जिससे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और फिर आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड, ये सब काम आप ज़रूर किया कीजिए अगर हमारे आपको वीडियो पसंद आता है। तो वीडियो से ऐसा होता है फ्रेंड, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम, और मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप लोग यकीन कीजिएगा मेरे वीडियो बिल्कुल अलग होते हैं। किसी को देख कर मैं अपने वीडियो को नहीं बनाती, पूरा सपोर्ट करती हूँ अपने यूट्यूबर जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे, जो भी गार्डनर के फ्रेंड्स हैं, गार्डनर हैं या जो भी हैं, जो भी मैंने अपने सब्सक्राइब कर रखे हैं अपने YouTube पे, जो भी अपने फ्रेंड्स बना रखे हैं, जो जो चैनल, उन सबको मैं सपोर्ट करती हूँ फ्रेंड। जितना मैं कर सकती हूँ उतना सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि मुझे बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। कमेंट तो बहुत प्यारे प्यारे कर देते हैं लेकिन वीडियो को नहीं देखते हैं, ये मुझे पता चल जाता है। जितने कमेंट होते हैं उतनी लाइक नहीं होती हैं और फिर उतना टाइम भी नहीं बढ़ता है। तो मुझे वीडियो बनाते बनाते भी 3 साल होने जा रहे हैं ये राधे राधे गार्डनिंग के। आप लोग बुरा मत मानिएगा जो मेरे पीछे थे, क्यों मिज जैसे लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं तभी वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए फ्रेंड, जिससे और जो हमारा फ्रेंड है वो भी आगे बढ़ सके। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर सोचिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे राजा प्लांट कहलाते हैं वो ज़्यादातर फ्लावर तो वैसे सभी राजा होते हैं। अगर किसी एक प्लांट को राजा कहो तो और प्लांट बुरा मान सकते हैं। लेकिन फिर भी फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर दिखाई देने वाले जो फ्लावर होते हैं शुरू में जब हमारा विंटर स्टार्ट होता है, तो हमारा जो सेवंती का प्लांट है या फिर हमारे मैरी गोल्ड के प्लांट हैं, तो ये सब हमको खिले हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। नर्सरी में भी सेल होते हुए देखते हैं, घरों में भी लगे हुए देखते हैं। तो इन प्लांट्स की तैयारी हमको पहले से करनी होती है फ्रेंड। तो इसमें इन जो प्लांट होते हैं, इनकी प्लांट की तैयारी आप कटिंग्स के द्वारा, शीट्स के द्वारा कर सकते हैं। और मैंने तो कई बार वीडियो भी बनाया इस बात पर। और जुलाई अगस्त से इसमें कुछ शीट लगने लगते हैं, कुछ कटिंग्स लगनी लगती हैं। अगस्त की कटिंग्स अगस्त में लगाना शुरू की थी मैंने, और ये सब वही प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं। तो कुछ प्लांट मेरे जो है बड़े भी हो गए थे इनमें से लगाकर, कुछ आगे पीछे भी करती रहती हूँ कि कुछ प्लांट को अगस्त की 1 तारीख को लगाया, कुछ प्लांट को मैंने 15 तारीख को लगाया, कुछ को मैंने लास्ट में लगाया। तो उन सब की रिपोर्टिंग मेरी चलती रहती है। तो इस तरह से इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग तो मैंने कर दी है और अब ये ग्रोथ पर हैं। तो इनकी जो है मैं समय समय पर अब गुड़ाई मुझे करनी है और इनकी देखभाल अच्छे से करनी है। देखभाल बस इसी तरह से करनी है, इनकी धूप बढ़िया देनी है इनको फ्रेंड, और ये पानी इनमें कम ना हो जाए। वैसे तो दो से तीसरा दिन होने जा रहा है, लगातार बारिश हमारी साइड में हो रही है देहरादून में।
तो इतनी बारिश होने के बाद भी कल मैंने बारिश में, आपको यकीन नहीं होगा वीडियो कितना मेहनत से बनता है, इस बार अम्ब्रेला लगा के मैंने इन सबको जो है रिपोर्ट किया। ये सारे प्लांट्स हैं और ये सब मैंने कटिंग से तैयार किए हैं सारे प्लांट। तो ये सब मैंने देखिए यहाँ पर अभी रखे थे, कल मेरा यहाँ पर ये सब सामान भी पड़ा हुआ है, बाकी सामान तो उठा दिया। ये देखिए मिट्टी भी यहाँ पर ये पड़ी हुई है, तो कल मैं बैठ के यहाँ पर रिपोर्ट कर रही थी। ये सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट किए जो कि टप में मैंने लगा रखे थे लेमन प्लांट के, काफ़ी सारे लेमन, ये बड़ा टप है तो इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे लगे हुए थे जिनको मैंने अच्छे से रिपोर्ट कर दिया। और ये जो है लेंटाना, मैंने देखिए फ्लावर भी आ गए इसमें और कई सारे इसमें लेंटाना भी लगे हुए हैं, एक प्लांट रह भी गया मेरा इसमें। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी इसीलिए कुछ प्लांट मैंने छोड़ दिए। और फ्रेंड बहुत सारे कटिंग से जो इनकी देखिए कटिंग भी लगाई है तो उनको भी लगा दिया था मैंने, और फ्रेंड ये सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिए थे। तो ऐसी बारिश में जब झिमझिम झिमझिम बारिश होती रहती है धीरे धीरे छिन छिन करके, तो ये प्लांट हमारे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती नहीं है कि भाई गमले में पानी भर जाएगा, इन पर लगातार बारिश पड़ने से ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसीलिए मैंने इन प्लांट को जो है रिपोर्ट किया था इतनी भरी बारिश में। यहाँ पर भी देखिए कुछ प्लांट मैंने रख दिए हैं, तो कल ही मैंने इनको रिपोर्ट किया है। और देखिए इस तरीके से तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं फ्रेंड। तो इन सब प्लांट को इस समय आप रिपोर्ट कर लीजिए, चाहे बारिश ही हो, कोई ऐसा एरिया देखिए, या तो अम्ब्रेला लगा के नहीं कर सकते तो आप कहीं ऐसी जगह कर लीजिए जहाँ पर आपकी बारिश ना पड़ती हो। और आप जो है अगर आपने कटिंग्स लगा रखी हैं तो प्लांट को जो है अच्छे से रिपोर्ट करिए फ्रेंड। आपके यहाँ अभी बारिश हो रही है और बारिशें तो बंद नहीं हुई हैं, बारिश अगर लगातार नहीं हो रही है तो बारिश तो होनी है, और अभी तो लगातार बारिश होगी और पितृ भी अच्छे बरसते हैं, नवरात्रों में तक बारिश होती है, अच्छी समय आ रहा है। तो अपने प्लांट को संवारिए फ्रेंड और तैयारी कीजिए, क्योंकि जो है बस अब विंटर आने ही वाला है। तो अगर हम अभी लापरवाही करेंगे तो हमारे जो प्लांट हैं बहुत अच्छे से नहीं चल पाते, और अडेनियम की भी ग्रोथ मेरी बहुत अच्छे से हो रही है, यह सब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। जब हम कोई वीडियो देखते हैं और उसमें सुनते हैं तो एकदम हमारे दिमाग पर असर पड़ता है और हम भी एकदम तैयारी में लग जाते हैं। तो आप भी तैयारी में लग जाइए फ्रेंड, यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है आप लोगों को बताने का। और आपके जितने भी रोज़ के प्लांट हैं उनमें अगर वेस्टेज जो है पत्तियाँ हों उन सबको हटाइए, क्योंकि इसका टाइम भी अब लगातार आ रहा है। और ये देखिए मेरे जो है कैटरपिलर भी काफ़ी हो रहे हैं, कैटरपिलर को रोकथाम करना बड़ी मुश्किल होता है, इनको कई बार स्प्रे करने के बाद भी ये हटते नहीं हैं। तो उनका काम यही है बस इनको चेक किया जाए और इनको हटाया जाए गमले से, और फ्रेंड इनकी पत्तियों को हटाया जाए जो भी लीव्स आपकी बेकार हो रही हैं। ये देखिए नई नई ग्रोथ अब स्टार्ट होती है, तो ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो इसलिए हमको लगातार वेस्टेज पत्तियों को, बेकार पत्तियों को हटाना है और हल्का लाइट लाइट प्रून करना है अपने गुलाब को। कोई भी कली वली आ रही हो उन कलियों को मत आने दीजिए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ करना शुरू करता है, फिर ये अच्छी ग्रोथ करता है, फिर हम इसे अक्टूबर नवंबर में लास्ट में हम काटते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से हमारे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, तो आप भी तैयारी कीजिए फ्रेंड। चलती हूँ, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी गार्डनिंग।